वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो ओरल कैविटी के अंदर जो गाल की सतह है उस पे होने वाले बदलाव के बारे में है, और क्या ये बदलाव सचमुच में एग्जिस्ट करता है या नहीं। मीन्स कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो कई बार चिंतित हो जाते हैं कि मेरे मुंह के अंदर कुछ चेंज आ गया है, लेकिन वो चेंज रियल में क्या उस पर्सन के माउथ के अंदर एग्जिस्ट करता है, या किसी खास कारण से वो पेशेंट जो है या फिर वो पर्सन जो है वो डरे हुए हैं और अपने ही माउथ के अंदर पाए जाने वाले नॉर्मल स्ट्रक्चर को वो एबनॉर्मल समझ रहे हैं। तो उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे जो इधर कुछ टाइम से मैं बहुत सारे ऐसे मैसेजेस देख रही हूँ और पेशेंट के कमेंट आते हैं कि मैम हमारे गाल के सतह पे कुछ उभार है जो कि मुझे पहले महसूस नहीं होता था और वो अब महसूस हो रहा है, तो क्या ये बढ़ता घटता नहीं है, तो क्या ये आगे जाके कैंसर तो नहीं बन जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये चीज़ उनके माइंड के अंदर आता क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो हैं किसी भी बैड हैबिट से एसोसिएटेड होते हैं। बैड हैबिट से मेरा मतलब यहाँ पे है ऐसे पर्सन जिनको कि किसी भी प्रकार का जो है हैबिट हो टोबैको से रिलेटेड, यानी कि या तो आप टोबैको च्यू कर रहे हो या फिर स्मोकिंग कर रहे हो या फिर गुटखा च्यू कर रहे हो। तो ऐसे पर्सन को एक टाइम के बाद ओरल कैविटी में कुछ चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। तो वो चेंज गाल की सतह पे हो सकता है, आपके जीभ पे हो सकता है, या फिर आपके अंदर जो भी माउथ के अंदर जो नॉर्मल ओरल स्ट्रक्चर होते हैं उसमें कुछ बदलाव आ सकते हैं। तो ये बदलाव जब उनमें आता है तो वहाँ पे उन्हें थोड़ा सा वो अजीब सा फील होता है, या फिर यूँ कह लें कि उन्हें नॉर्मल फील नहीं होता है। एक तो ये कारण है कि बदलाव सचमुच में आ रहा है, और एक कारण है कि अगर आप टीन एजर हैं या फिर टीन एज नहीं भी हैं, बड़े हैं एड यंग एडल्ट हैं, तो भी आपके माउथ के अंदर हैबिट के कारण कुछ बदलाव जो एग्जिस्ट करता है उसके कारण से आपका ध्यान बार बार वहीं पे जाता है। तो इसमें से कुछ स्ट्रक्चर जो हैं वो सचमुच में बदले हुए पाए जाते हैं हैबिट के कारण, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। उसी पे मैं आज बात करूंगी, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर हैं आपके गाल की सतह जिसमें कि एक उभार या एक दाना आपको दिखता होगा, ये प्रत्येक व्यक्ति के गाल की सतह पे होता है। और इसे इसलिए यहाँ पे नेचर के द्वारा बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे इस जो उभार है वहाँ से सलाइवा का सिक्रीशन होता है माउथ के अंदर, यानी ओरल कैविटी के अंदर, यानी जो कि आपकी मेजर सलाइवरी ग्लैंड है जिसमें कि पैरोटिड ग्लैंड जो मेजर सलाइवरी ग्लैंड में आता है, वो ग्लैंड जब माउथ के अंदर सलाइवा को सिक्रीट करेगा तो उसके लिए एक डक्ट होती है जो कि पैरोटिड ग्लैंड से जुड़ी हुई होती है, और उस डक्ट को यानी कि पैरोटिड डक्ट को स्टेंसन्स डक्ट भी कहते हैं, और वहाँ से वो ओपनिंग आपके माउथ के अंदर होती है, और ये मोस्टली जो है सेकेंड मोलर के अपोजिट पाया जाता है। तो मान लीजिए कि आपका जो सेकेंड मोलर है वहाँ पे आप देखेंगे कि एक उभार है और वो थोड़े से आपको उठे हुए दिख रहे हैं। अगर वो नॉर्मल है तो वो बिल्कुल ही आपको माइल्ड एलिवेटेड दिखेगा, आपको कोई सिम्टम नहीं रहेगा, मीन्स आपको किसी भी प्रकार का ड्राइनेस नहीं फील होगा। लेकिन अगर कुछ हैबिट एसोसिएटेड पर्सन की मैं बात करूँ तो पेशेंट को वहाँ पे जो है माउथ के अंदर ड्राइनेस भी प्रेजेंट होता है, तथा जो भी आपका एलिवेटेड पार्ट है जो पैरोटिड डक्ट की ओपनिंग है वो समटाइम एक तरफ का ज़्यादा उभरा हुआ लगता है और एक तरफ का थोड़ा कम उभरा हुआ लगता है। तो इससे कई बार क्या होता है कि कैलकुलाई जो है वो डक्ट के अंदर डिपॉजिट होते हैं जिसके कारण से प्रॉपर सलाइवरी फ्लो माउथ के अंदर नहीं आ पाता है, उसके कारण से वहाँ पे थोड़ा सा एलिवेशन हो जाता है या स्वेलिंग हो जाती है। तो उसके लिए भी जो है पहले प्रॉपर विजुअलाइजेशन जरूरी है, प्रॉपर इवेल्युएशन जरूरी है, उसके बाद हम एग्जामिन करके ये देखते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि हाँ सच में इस पर्सन में ये प्रॉब्लम है, यानी कि दोनों तरफ के जो वो उभार है वो सिमिलर है
या फिर डिफरेंट है, पेशेंट के माउथ के अंदर कोई क्लिनिकल सिम्टम प्रेजेंट है या नहीं है, यानी कि ड्राइनेस प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर किसी प्रकार का रेडनेस है या पेन है पेशेंट को, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं, उसे कंक्लूड करके फिर पेशेंट को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एडवाइस किया जाता है कि आप या अगर हैबिट एसोसिएटेड है तो अपनी हैबिट को क्विट करें, या फिर ड्राइनेस है माउथ के अंदर तो क्यों है, इस पे भी देखा जाता है और फिर उस तरीके से इलाज किया जाता है। तो इस चीज़ को देख के आपको डरना नहीं है कि ये कुछ उभार है तो आगे जाके कैंसर ना बन जाए, तो ऐसा नहीं होता है, सभी चीज़ आगे जाके कैंसर नहीं बन जाती है। तो ये वीडियो आज का मैंने अपने पेशेंट के एक कमेंट आए थे मुझे, तो मैंने सोचा कि इस पे बना दूँ, सो दैट कि बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार रहता है कि कहीं ये आगे जाके कैंसर तो नहीं हो जाएगा। तो हर वो चीज़ जो चेंज हुई है वो कैंसर तुरंत नहीं बनता है, या फिर अगर आपने सही इलाज नहीं लिया या फिर सही तरीके से इस चीज़ों को इंटरप्रेट नहीं किए तो भी तभी वो आगे जाके भारी नुकसान होता है। लेकिन अगर आप सचेत हैं, अगर अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने ओरल हेल्थ के प्रति आप जागरूक हैं, तो आपको अचानक से कैंसर नहीं डेवलप हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोगों से बहुत ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, सो दैट मुझे इस तरह के वीडियोस आप तक लाने में मोटिवेशन मिले, और बहुत ऐसे लोग हैं जिन तक ये वीडियो पहुँच नहीं पा रहा है, तो वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे और सभी को इससे हेल्प हो सके। थैंक यू।